Thank you.
जो भौतिक विचार चल रहे हैं उन सब का त्याग करके गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सब हाथ जोड़िए, नेत्र बंद करके भगवान के दर्शन कीजिए हृदय में और मेरे पीछे मंत्र का उच्चारण कीजिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय, नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय, नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजमनसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कृतस्तु। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनं रम्यं काचिदुपासनं ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममायं प्रेम कुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्त। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। ग्रंथ
कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की लीला प्रभुपाद की परम पावन कार्तिक मास महा उत्सव की गौरव प्रेमानंदी परम सौभाग्य है जो कार्तिक के इस अत्यंत ही परम पावन महीने में हमको भगवान के इन शब्दों को श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का अवसर मिला है। ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो साल के 365 दिन में जब भी हम भागवत श्रवण करते हैं हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो उसका लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन वही लाभ यदि हम कार्तिक के महीने में भागवत को श्रवण करते हैं तो वो हजारों गुना बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो महीना है वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसका कारण क्या है? वैसे तो सारे जितने भी महीने हैं जो 12 महीने हैं वो उन सब के अधिष्ठात्रा जो देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे इस महीने को भी दामोदर महीना बोलते ना, तो वैसे हर एक महीने के साथ भगवान का एक नाम जुड़ा हुआ है। जैसे कोई केशव मंथ है, कोई माधव मंथ है, कोई विष्णु मंथ है, कोई मधुसूदन मंथ है। तो ये महीना जो है वो इनकी इस महीने की अधिष्ठात्री देवी जो है वो श्रीमती राधा रानी है। बाकी सब महीनों के देव जो अधिष्ठात्र देव है जो वो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन कार्तिक एक स्पेशल महीना है जिसकी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। और ऐसा बताया जाता है हरि भक्ति विलास में कि इस महीने का नाम कार्तिक क्यों है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? Anybody knows? राधा रानी की मैया का नाम है। कृष्ण की मैया का नाम सबको पता है क्या है? यशोदा मैया। राधा रानी की मैया का नाम क्या? कीर्तिदा मैया। कीर्तिदा मैया जो है उनको कीर्तिका मैया भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा बताया जाता है हमारा वैदिक जो लैंग्वेज है उसमें यदि इट इज वेरी डियर टू मी, अगर हमको कोई बहुत ज्यादा प्यारा है तो उसको का करके बुलाते हैं। जैसे राधा नाम है ना श्रीमती राधा रानी का, लेकिन उसको प्यार से क्या बुलाते हैं? राधिका। जैसे गोपी नाम है और गोपियों को प्यार से क्या बुलाते हैं? गोपिका। उसी तरह से बताया जाता है जैसे अम्ब, शास्त्रों में माँ को अम्ब कहा जाता है संस्कृत में, लेकिन जब और भी ज्यादा प्रेम के साथ ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हृदय जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंबिका। तो उसी तरह से जिस तरह से राधा को राधिका बोलते हैं उसी तरह से कीर्तिदा मैया को कीर्तिका कहते हैं। और क्योंकि कीर्ति मैया की बहुत ही प्रिय पुत्री है श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनको कार्तिका कहा जाता है। श्री रूप गोस्वामी अपनी शास्त्र में भक्ति रस अमृत सिंधु में बताते हैं टीका करते हुए कि क्योंकि इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है इसीलिए इस महीने का नाम कार्तिक महीना है। और इस महीने की स्पेशल बात क्या है कि इस महीने में हम जो व्रत करते हैं, अभी व्रत का क्या मतलब है हम लोगों को है ना, व्रत का मतलब सिर्फ सिंपल इतना है खाना नहीं खाना, इसका मतलब है व्रत। व्रत नहीं होता, व्रत का मतलब होता है हम कोई संकल्प करें, हम कोई ना जैसे इस महीने में हम ये कार्य करेंगे ये कार्य नहीं करेंगे, ये संकल्प होता है ना, तो उस संकल्प को व्रत कहते हैं। और उस इस महीने का दूसरा नाम है दामोदर मास। तो है दामोदर मास क्यों है? क्योंकि भगवान ने इस महीने में वो लीला की थी जिसमें यशोदा मैया ने भगवान के उदर को दाम से बांधा था। दाम माना रस्सी, उदर माना पेट, रस्सी को पेट से बांधा था इसलिए दामोदर महीना नाम है। लेकिन इस महीने का जो विशेष नाम है आचार्य जन जो बताते हैं वो है ऊर्जा मास। ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या है? ऊर्जा का मतलब होता है स्ट्रेंथ, शक्ति। जैसे हम बोलते ना इसके अंदर ऊर्जा शक्ति उजागर हो गई है, ऊर्जा शक्ति यानी कोई मन बिकम वेरी एनर्जेटिक, जिसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस महीने में यदि हम कोई व्रत लेते हैं,
कोई संकल्प लेते हैं तो उससे हमारी आध्यात्मिक जो शक्ति है ना, वो बहुत उसमें उन्नति होती है, प्रगति होती है। और ये शक्ति कौन प्रदान करती है? ऊर्जेश्वरी, श्रीमती राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। और ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो समस्त शक्तियों की आधार शक्ति है। जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी देवियां हैं, उन सब शक्तियों की आधारभूत जो है वो श्रीमती राधा रानी है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की भी ऊर्जा जो है वो श्रीमती राधा रानी। जैसे श्रीमद् भगवद्गीता 7.10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलम बलवतां चाहम, जो शक्तिवान है उनको, उनकी शक्ति में हूँ। और उसी भगवान, वही भगवान कहते हैं मेरी ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी है, अर्थात मुझे शक्ति और बल प्रदान करने वाली समस्त शक्तियों की स्रोत जो कृष्ण को भी बल प्रदान करती है वो ऊर्जेश्वरी है श्रीमती राधा रानी। तो इसका मतलब जो ये ऊर्जा हमारे हृदय में, जो भगवान के प्रति जो प्रेम, जो भक्ति में उन्नति करने का उत्साह प्राप्त होता है, वो श्रीमती राधा रानी के कृपा से प्राप्त होता है। और श्रीमती राधा रानी इस महीने में जब हम व्रत करते हैं कोई भी संकल्प, अच्छा बहुत सारे संकल्प किए जा सकते हैं। कुछ लोग ये संकल्प करते हैं कि हम अपनी ये पसंद की चीज़ नहीं खाएंगे, कुछ लोग ये संकल्प करते हैं कि हम एक दिन, मतलब पूरे महीने में एक टाइम ही खाएंगे, कुछ लोग ये संकल्प करते हैं कि हम रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जप करेंगे, कुछ लोग ये संकल्प करते हैं कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करेंगे। तो जो संकल्प हम करते हैं उसमें शक्ति श्रीमती राधा रानी प्रदान करती है। तो जिसने अभी तक भी संकल्प नहीं किया है वो अवश्य कोई ना कोई संकल्प कीजिए इस महीने में। इससे क्या होता है, जब भगवान देखते हैं ना कि आप उनके लिए कुछ करते हो, हमारी साधना में तो इतनी शक्ति नहीं है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकें, हमारी साधना ना तो इतनी दृढ़ है ना ही इतनी प्योर है कि हम उसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकें। लेकिन भगवान खाली ये देख लें कि आप सिंसियर हो, खाली भगवान को पता चल जाए कि ये भक्त मुझे प्राप्त करने के लिए थोड़ा प्रयास कर रहा है, तो भगवान का हृदय पिघलने लगता है। लेकिन यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, खुश करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम अपने जीवन को जीते रहे, अपनी मर्जी से जीते रहे और भगवान प्राप्त हो जाए। एक बार ही क्या हुआ, यशोदा मैया जो है वो भगवान को घर में भोजन खिला रही थी, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं भोजन नहीं खाना, मुझे माखन खाना। कृष्णा यशोदा मैया ने बोला अभी भोजन खा लो, माखन बाद में निकालूंगी तो बाद में खाना। तो कृष्ण नाराज हो गए और कृष्ण जो है वो यमुना के तट पर चले गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद यशोदा मैया भी यमुना के तट पर आई, और क्योंकि यमुना के तट पर पूजा करते ना शाम को, तो पूजा कर रहे थे तो अचानक से क्या हुआ, कृष्ण यशोदा मैया की नजर कृष्ण के पास पड़ी। कृष्ण जानते हो क्या कर रहे थे, कृष्ण के हाथ में एक लकुटी थी, और क्योंकि सब संध्या के टाइम पर यमुना जी की आरती करते हैं, दीप जो है वो उसमें बहाते हैं। आप लोगों को कभी वृंदावन जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा तो आप यमुना के तट पर नहीं, माता जी और सब खड़े होते हैं और एक पुष्प और दीप देते हैं, फिर हम पूजा करते वो बहाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे बहा रहे थे, बहा के जा रहे थे, तो कृष्ण क्या कर रहे थे, उनके हाथ में एक लकुटी थी और उसके द्वारा दीपों को अपनी ओर लेकर उसको संभाल के यहाँ रख रहे थे, निकाल निकाल के रख रहे थे। तो यशोदा मैया ने देखा, बोला कान्हा ये क्या कर रहा है, इन दीपों को क्यों निकाल रहा है। तभी कृष्ण ने कहा मैया ये दीप डूबने वाले थे, वो तो अच्छा है मैंने उन्हें बचा लिया। तो यशोदा मैया ने कहा अच्छा तो डूबने वालों का उद्धार करने का या बचाने का ठेका तुमने लिया हुआ है। तो मैया यशोद कृष्ण ने कहा हाँ मैया मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा। तभी यशोदा मैया ने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो वो वाले दो दीप जा रहे हैं
जो करीब करीब निकट निकट थे वो तो कृष्णा उठा रहे थे, लेकिन जो परे से जा रहे थे दूर से वो तो कृष्णा की लखुटी नहीं पहुंच रही थी। बोले यदि बचाने का ठेका तुम्हारा है तो फिर वो वाले दीपों को क्यों नहीं बचा रहे वो जो उधर से जा रहे। बोला मैया मैंने कहा वो सभी को ठेको ना ये रखो, जो मेरे निकट आएगा मैं बस उसी को बचाऊंगा, जो दूर दूर रहेगा वो भले डूब जाए। ये जानना है कि हम यदि चाहते हैं कि भगवान हमें भवसागर से तार दे बचा ले तो इतना तो हमें भी करना पड़ेगा, क्या भगवान के निकट आना सर आना पड़ेगा। यदि हम निकट आएंगे नहीं तो भगवान ने साफ साफ कह दिया फिर तुम्हारा ठेका मैंने नहीं उठा रखा है। भगवान कहते हैं मैं आपके 10 कदम आगे आऊंगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि पहला कदम आपको आना पड़ेगा। ऐसे नहीं भगवान स्वतः नहीं आएंगे, भगवान देखेंगे ये एक कदम बढ़ा है तो मुझे भी अभी 10 कदम बढ़ना है, लेकिन शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। और ये महीना जो है वो बहुत सुंदर है शुरुआत करने के लिए। इस महीने में वैसे तो जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे संकल्प बहुत सारे व्रत लिए जा सकते हैं, लेकिन इस महीने में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे चमत्कारी लाभ यदि किसी चीज से होता है तो वो है दीप दान। दान का मतलब ये नहीं कि दीप उठा के भगवान को दान किया जाए, इसका मतलब ये है कि दीप जला के भगवान को ऐसे घुमाया जाता है, इसको दीप दान कहा जाता है। और ये ऐसा नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये हरे कृष्ण वालों ने अपना कोई फैशन निकाला है, ये अपना हरे कृष्ण। पहले तो बहुत सारे लोगों को याद होगा जब हम छोटे थे तब भी कार्तिक में दीप जलाते थे, दिया बारिंदा आया ना सुरसिया में दिया बारिंदा आया मंदिर में दिया बार, लेकिन बस जला देते थे क्योंकि ब्राह्मणों ने बता दिया जला दो, उसका कोई जो लॉजिक था ना वो कोई नहीं जानता था, लेकिन करते थे अवश्य। आज जो हरे कृष्ण वाले करते वो एक लॉजिक के साथ एक सही क्रिया शास्त्रों के प्रमाणों के साथ करते हैं, तो आज के लोगों को लगता है बस ये हरे कृष्ण वालों का काम है। ऐसा नहीं है, ये प्रत्येक जीव जिसने मनुष्य का योनि लिया है ना उसको ये कार्य करना चाहिए। तो इसके इतने चमत्कारी लाभ हैं जो हम यदि सुन ले तो हमको लगे कि बस सारा दिन यही करते रहे। और ये किस में लिखा हुआ है, सिकंद पुराण में, पद्म पुराण में और भी अन्य अन्य पुराणों में कार्तिक में दीप दान के बहुत सारे दिव्य उपाय बताए गए हैं जिनके द्वारा हम कृष्ण को बहुत अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। और इसकी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है, इसलिए इस महीने में जो हम साधना करते हैं उनसे श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती हैं और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न देखकर कृष्ण हम पे और भी अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसा बताया गया है। अभी मैं आपको दीप दान करने के ऐसे चमत्कारी लाभ बताऊंगी, आप सब याद भी कीजिएगा, ध्यान से श्रवण कीजिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। पहला लाभ ये है कि यदि आपके कहने पर कोई दीपदान करता है, उसको नहीं खबर है कि मुझे दीपदान करना चाहिए, लेकिन यदि आप उसको प्रेरित करते हो कि वो दीपदान करे तो उसका 100% लाभ आपको मिलता है। इसका मतलब ये नहीं उसको नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, ये भौतिक जगत में होता है कि मेरे को मिला तो उसको नहीं मिला उसको। आध्यात्मिक जगत में पूर्ण है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है ना, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण से निकली हुई प्रत्येक वस्तु पूर्ण है, कृष्ण की कृपा भी पूर्ण है। इसलिए जब आपके द्वारा कोई भक्ति की ओर बढ़ता है तो आपके प्रति कृष्ण का प्रेम बढ़ जाता है। ऐसा भगवान कहते हैं ना कि या इमं परमं गुह्यं मत भक्तेश्व विदास्यते, जो मेरे इस परम गुह्य को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है उसके लिए भगवान ने कहा न तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, उस व्यक्ति से ज्यादा प्यारा ना तो कोई मेरा है और ना ही कभी कोई भविष्य में होगा। इसलिए सबसे ज्यादा सुंदर उपाय है कि कृष्ण के इन शब्दों को भक्तों तक पहुंचाना चाहिए। तो हम अब पढ़ेंगे कि क्या क्या
लाभ होते हैं, सबसे पहला लाभ क्या है कि तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो दीप दान के आगे ठहर सके। आपने यदि दीप दान कर दिया तो करोड़ों करोड़ों कल्पों में भी, एक कल्प के बारे में पता है, कल्प किसे कहते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, 8,64,00,000,000 वर्ष के। अगर करोड़ों करोड़ों कल्पों में किसी व्यक्ति ने करोड़ों करोड़ों पाप जमा कर दिए हैं तो वो भी केवल कार्तिक मास में भगवान दामोदर को दीप दान करने से समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है पद्म पुराण में कि जैसे दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि प्राप्त होती है, और उसी तरह से जब हम दीप जलाते हैं और जब दीप जलता है तो हृदय में जो अधर्म की, अधर्म का अंधकार है वो खत्म हो जाता है और धर्म की ज्योति प्रकट होने लगती है। और सिकंद पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरे भक्तों को दीपक प्रदान करता है, जैसे अगर किसी के पास दीप नहीं है, सपोज वो खरीद नहीं सकते या फिर उनके पास नहीं है, और अगर कोई उनको दीप प्रदान करता है कि आपका कार्तिक का महीना है, कृपा करके आप दीप दान कीजिए, तो भगवान उस भक्त का गुणगान करना शुरू कर देते हैं, वाह क्या भक्त है ये, खुद तो तर रहा है और दूसरों को भी तार रहा। तो इतना क्या है, मिट्टी का दीपक कितना है, निकलना चाहिए अपनी अपनी बिल्डिंग तक तो, कम से कम जिन जिनके पास नहीं है उनको बोलो दीप दान करो। अगर किसी को है ना भगवान की दामोदर की फोटो किसी के पास नहीं है ना, तो वो भी हम लोग देंगे, ठीक है। आप लोग दीप भी ले जाइए और भगवान को भी ले जाइए, खाली बस दीप दान कीजिए इस महीने में। और ऐसा बताया पद्म पुराण में, एकदम अनोखी बात है, सुनकर मतलब हैरानी की बात है कि वैसे भगवान को श्रद्धा से जो दीप दान करता है उसके तो बहुत सारे लाभ है, लेकिन मंदिर में कोई जुआरी आया है, जुआरी मतलब जो जुआ खेलते ना, वो मंदिर एक कोई मंदिर है पुराना सा भरा हुआ है और वहां पर दो चार जुआरी आए हैं और सोचते हैं कि अभी हम जुआ खेलेंगे, और उस टाइम पर अंधेरा है तो वो दीप जला देता है, किसके लिए, ताकि रोशनी होगी तो पत्ते दिखेंगे ना, हाँ, तो वो रोशनी कर देता है सिर्फ इसलिए कि मैं जुआ खेल रहा हूँ। अगर वो जुआ खेलने के लिए भी दीप जलाता है तो वो अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, खाली अब कोई इंटेंशन नहीं है कि भगवान को खुश करने के लिए काम कर रहे, अगर बस ऐसे ही कर दिया। जैसे एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आप हमेशा हर साल सुनते हो, मंदिर में दीप जल रहा था, कोई भगत जला के गया, देसी घी का दीप था, तो दीप जो है थोड़ी देर के बाद क्या है उसकी लोट नीचे चली जाती है, जो उसकी बाती है नीचे, तो दिख नहीं रही थी कि वो जल रहा है। अचानक से एक चूहा आ गया और चूहे को देसी घी पसंद लगता है, तो उसने क्या किया, वो जो बाती है उसमें से चिराग में से वो बाती जैसे ही निकाली तो बाती उसके दांतों में फंस गई, और जैसे ही दांतों में फंस गई तो वो उछल के बाहर निकला, और जैसे ही वो ऊपर हुआ तो जो बाती में अग्नि थी वो भी तेज हो गई क्योंकि दीप के अंदर चली गई थी, लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकालते तो ऊपर आती है ना, तो वो ऊपर आ गई, और जैसे ही ऊपर आ गई तो चूहे के शरीर पे बहुत सारे बाल होते ना, तो वो बाल जो है ना उनको गर्मी लगने लगी चूहे को बहुत, और वो निकालने की कोशिश कर रहा था कि ये जो बाती है ना मेरे दांत से निकल जाए, लेकिन इतना अच्छे से वो अंदर लग गई थी कि निकल ही नहीं रही थी, तो वो चूहा क्या गोल गोल घूमने लगा, मतलब उसको इतनी गर्मी लग रही थी कि गोल 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 घूम रहा था, और वहीं पर उसके प्राण त्याग दिए, वहां भगवान का विमान आया, पार्षद उसको भगवान के लोक में लेके गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कोई मतलब चूहे की योनि में मुक्ति बहुत कम ऐसा नहीं होता, बहुत बहुत साधना करनी पड़ती है, ये तो मनुष्य योनि का लाभ है कि इस योनि में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। हर किसी योनि में ये जो बाकी योनियां होती है ना वो कैसी होती है पता है, वो सब भोग योनियां होती है, कुछ कर्म मनुष्य योनि में जीव करता है उन ही कर्मों को भुगतने के लिए आपको दूसरी दूसरी योनियां मिलती है।
चाहे ये पशु की योनियां, पक्षी की योनियां, यहां तक कि देवताओं के, इन सब योनियों में आप नया कर्म नहीं कर सकते। जो आपने किया है बस उसी का हिसाब किताब देना है। ये जो मनुष्य की योनि है ना, वो कर्म की योनि है। इसमें आपको जो मिला है वो पिछले जन्म के कारण मिला है, जैसे माता पिता है, धन दौलत या फिर ना एजुकेशन, जो कुछ भी आपको मिला है वो पिछले जन्म के कारण मिला है। लेकिन अब आपके पास पूरी चॉइस है कि आज आप क्या करते हो। आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कि जो फैसिलिटीज भगवान ने आपको दी हैं, उनका आप सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो, ये पूरा आपके ऊपर है। जैसे जन्म तो निश्चित है, जब होना है तब होगा, है ना। जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है। बिफोर बर्थ, बिफोर डेथ, ये दोनों तो निश्चित है। इन दोनों के बीच में क्या आता है? सी आता है। सी मीन्स क्या होता है? सी मीन्स चॉइस। आपके पास जन्म का अधिकार नहीं, आपके पास डेथ का अधिकार नहीं, लेकिन बीच का जीवन कैसे गुजारना है ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप भगवान की भक्ति करके इस जीवन को सफल करके भगवत धाम जाना चाहते हैं, या अपराध करके नरक में जाकर बारंबार अलग अलग योनियों में भटकना चाहते हैं, ये पूरी की पूरी स्वतंत्रता भगवान ने आपको दी है। तो अगर ऐसा बताया जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत बहुत दुर्भाग्यशाली है और अगर वो कार्तिक के महीने में दीपदान करता है तो उसका दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, अगर कोई मंदिर में अखंड दीप जलाता है तो उसे निश्चित रूप से गौलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। कुछ लोग पूरा महीना इस महीने में अखंड दीप जलाते हैं मंदिर में, और अगर कोई वो ऐसा नहीं कर सकता ना, मतलब किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है या ऐसा वो नहीं कर सकता, अगर वो खाली किसी और ने दीप जलाया है लेकिन उस जले हुए दीपक की खाली सुरक्षा करता है, खाली सोचता है कि बेचारा कोई जला के गया है, मैं उसको बुझने नहीं दूं, उसकी खाली सुरक्षा करता है, तो भी वो यमराज की यातना से बच जाता है, वो यम को अभी नहीं देखेगा, खाली दूसरे के दीपक की रक्षा करने के लिए। और दीपदान करने का जो एक सुंदर फल है वो ये है कि आपको स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। लक्ष्मी को हमेशा चंचला कहा गया। चंचला मतलब वो कहीं पर भी बैठती नहीं है। आप देखो, एक सुबह को आप निकलो ना, एक 20 रुपए, 100 रुपए का जो नोट होगा ना आपके पास, वो पहले आप अपने बेटे को दोगे कि जाओ ये आप इसमें से नाश्ता लेके आओ। नाश्ता लेने वाला कोई दूसरे को देगा, दूसरा वाला किसी और को देगा, किसी और। इस तरह से लक्ष्मी जो है ना वो ऐसे घूमती घूमती है, उसको एक जगह पे चैन नहीं आता। आपके पास जैसे ही धन आएगा ना, आपकी प्लानिंग होगी कि मुझे उसको यूज करना है कुछ ना कुछ इससे, और वेट होता है कि कब पैसा आएगा तो मैं उसको खर्च करूंगी, मुझे है ना ये ऑर्डर दिया है वो, और अभी तक तो पैसे मिलते ही नहीं है, पहले से उसका ये तय हो जाता है कि इसमें से मुझे ये कर, अब इस दफा की जो पॉकेट मनी मिलेगी ना उससे मैंने ये ऑर्डर कर दिया, वो ऑर्डर कर दिया, ये कर दिया, पहले से ही ये बात निश्चित है कि वो आएगी किस लिए, जाने के लिए, आती ही जाने के लिए है लक्ष्मी। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई कार्तिक मास में दीप दान करता है तो उसे इस दिन लक्ष्मी प्राप्त होती है। देवता तो सोचते हैं कि उस व्यक्ति का संग हमें कब मिलेगा जो कार्तिक के महीने में दीप दान करता है। इच्छा करते हैं कि बस खाली उस व्यक्ति का हमें संग प्राप्त हो जाए। और यदि कोई पूरी पृथ्वी का दान करे, करोड़ों करोड़ों गौ दान करे, उसका पुण्य भी कार्तिक के महीने में अखंड दीपक जलाने के 16वें बराबर, इससे के बराबर भी नहीं है। मतलब कितना दान व्यक्ति करे लेकिन अगर केवल इस महीने में दीप जलाता है अखंड मंदिर में, तो उस सारे दान का जो पुण्य है वो उस दीप दान से के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन यदि कोई खाली दूसरों को दीप दान करते हुए देखकर प्रसन्न हो जाए, बस खुशी होती है ना। कभी कभी लोग खुश होते हैं और कभी कभी बोलते हैं ये हरे कृष्णा वाले कम कार को ना निना के बस सज्जो ने दिया घुमायो आरती करो अगरबत्ती को। तो ऐसा नहीं, एटलीस्ट किसी की सेवा को देखकर अगर वो खुश भी होता है तो भी वो कम से कम नरक में जाने से बच जाएगा, भले पापी है। दीपदान को देखकर खुशी का इजहार करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति मंदिर में दीप दान करता है उसके आगे, मतलब एक में एक दिन सबको जाना होता है, और उसका जो आगे का मार्ग है ना वो पूरा का पूरा प्रकाश से भर जाता है। उसके राह की जो सारे अंधकार है वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संकल्प कीजिए आज से कि कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं पर भी हो, भक्त तो ऐसा करते अपने पर्स के अंदर एक बोतल में ऑयल रखते और एक दीपक रखते, दामोदर की फोटो रखते, भले अगर ट्रेवल में भी जाते ना तो रास्ते में भी वो दीप दान जरूर करते कि मिस नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ हमारा प्रैक्टिकल है, कोई अगर हॉस्पिटल में भी एडमिट होते ना तो भी टाइम पर है ना दीप दान जरूर करते, क्योंकि इतने सारे लाभ है इस छोटी सी क्रिया के, तो कौन नहीं चाहेगा कि मुझे ये सारे लाभ प्राप्त हो जाए। तो जो अभी तक दीपदान नहीं करते हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आज से और अभी से थोड़ी देर में हम यहाँ पर भी दीपदान हो गया। अच्छा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज वृंदावन चंद्र का दीपदान हमने नहीं देखा, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो अपने घर घर में रोजाना सुबह और शाम को अवश्य दीपदान करें। और संकल्प तो बहुत हो सकते हैं इस महीने में, लेकिन जैसा कि उपदेश अमृत में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि यदि आप 6 कार्य करते हो तो आप एक परफेक्ट जीवन गुजार सकते हो। तो आप भले खाने पीने को नहीं रोक सकते, भले आप दूसरी क्रिया नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं। ये 6 कार्य कौन से हैं? पहला है वाचो वेगम। वाचो वेगम मतलब आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो सोच के बोलना है। किसी भी मुख से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकालना है जिससे हम किसी को हर्ट करें, हम किसी का दुख दिल दुखाएं या फिर किसी की निंदा करें, तो वैसे ही नहीं करना चाहिए। लेकिन इस महीने में हमको प्रतिज्ञा लेनी है कि कुछ भी ऐसा मुख से शब्द नहीं निकलेगा जिससे हम दूसरे को हर्ट करें या उसकी निंदा करें। इतना हमें अपने शब्दों को कैसे यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम उच्चारण करना, भले कोई आपके साथ कैसा भी करता है। इस महीने में बोलो मैं किसी को नहीं जानता, किसी को मैं जानता ही नहीं हूँ, भले कोई कैसा भी हो मैं तो बस खाली भगवान को जानता हूँ और भगवान के साथ मेरा संबंध है, इसीलिए मैं मुख से यदि कुछ बोलूंगा तो केवल भगवान के विषय में भगवान का नाम उच्चारण करूंगा। दूसरा कार्य क्या है? मनस, वाचो वेगम मनस। एक तो शब्दों पे कंट्रोल, दूसरा मन के ऊपर कंट्रोल। हमारा मन जो है वही हमें हमेशा पतन की ओर लेके जाता है, वो ऐसी इच्छाएं करता है जो कि मतलब नहीं करनी चाहिए, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारी इंद्रियां जो है वो प्रेरित होती है। लेकिन इस महीने में कम से कम अपने मन को कंट्रोल करना है, नहीं इस महीने में कोई भौतिक चीज की ओर नहीं देखना है। जैसे हम देखते रहते हैं अक्सर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ ऐसी ऐसी चीजें, ये देखो वो देखो, अपना टाइम वेस्ट है खाली, कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। चलो नहीं खत्म कर सकते, एटलीस्ट इस महीने में अपने मन को कंट्रोल करना है। मन से क्या करना है? मन से भगवान को स्मरण करना। भगवान ने मांगा भी तो मन ही है, भगवान कहते मन मना। मन को कैसे शुद्ध करेंगे? शास्त्र कहता है मनंत्रायते इति मंत्र। मन कैसे शुद्ध होगा ये तो कोई भी बोल सकता है, आपको कितनी कथाओं में कितने सत्संग में सुना होगा। पॉजिटिव सोचिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, आप अपने कोई मन से कोई अपराध नहीं कीजिए कोई जैसा, लेकिन वो प्रैक्टिकल कब होगा? केवल बोलने से कोई प्योर नहीं बनेगा,
प्योर बनने के लिए कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। शास्त्र कहता है मन को प्योर करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए जितना जितना। इसीलिए गुरु नानक साहब सदैव बोलते हैं, कहो नानक सुन हर मना, कहो नानक भज हर मना। हे नानक, मैं अपने मन को कहता हूँ कि तुम हरि का भजन करो, हरि का नाम स्मरण करो। कैसे? जीव बिंद जल के मीन, जिस तरह से मछली पानी से तड़प बाहर निकल के तड़पती है, उसी तरह से तड़प तड़प कर हरि का भजन करो। उस हरि के नाम का भजन करने से ही मन पवित्र होता है। तो पहले अपने शब्दों पर कंट्रोल करना, दूसरा अपने मन पे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, क्रोध का क्रोध क्यों आता है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62 एंड 3 में बोलते हैं कि ध्यायतो विषयं पुंस संगस्तेषु पजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। आप जब किसी वस्तु को जब तक आपने देखा नहीं है तब तक उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, या तो उसको देख के या तो उसको सुन के आपके हृदय में ध्यान आता है कि वो मुझे चाहिए। फिर वो अगर मिल जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है, नहीं मिलती है तो क्रोध उत्पन्न मिलता होता है कि क्यों नहीं मिली मुझे। इसलिए इस महीने में अपनी इंद्रियों को इतना समो के रखना है कि वो इधर उधर की वस्तुओं को देखकर उनका ध्यान करके उनकी ओर आकर्षित ना हो, ताकि अगर हमारा आकर्षण ही नहीं होगा तो वो चीज जो नहीं प्राप्त हुई है तो उसके लिए क्रोध भी नहीं होगा। तो इस तरह से क्रोध पे कंट्रोल करना है। क्रोध क्यों होता है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, बस एक ही बात है ना, इच्छा ही पूरी नहीं होती। बच्चों पे भी क्यों क्रोध करते हैं? हम चाहते हैं वो ऐसा करे, वो ऐसा नहीं करता वैसा करता है तो हमें क्रोध आता है। हम चाहते हैं वो टीवी बंद करके सो जाए, वो टीवी चालू करके बैठता है तो हमको क्रोध आता है। तो ये स्वाभाविक है क्रोध आना, लेकिन इस महीने में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा काम पीस एकदम कूल हम रहेंगे, तो किसी के साथ क्रोध नहीं करेंगे प्यार से। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। जिह्वा के दो काम होते हैं, एक क्या है? बोलना और दूसरा खाना। तो वैसे वाचो वेगम का मतलब होता है कि हम जो उच्चारण करेंगे ना भगवान का नाम, और यहाँ पर जब बोलेंगे तो भगवान की कथा बोलेंगे, और फिर उसके साथ साथ जो भी खाएंगे, वैसे तो कुछ भी खाते रहते हैं हम, कभी विचार भी नहीं करते हैं मार्केट में जो चीज मिल रही है, पिज्जा है बर्गर है, कैसे बनाया होगा, कैसे पैंस में बनाया होगा, क्या किया होगा। लेकिन इस महीने में कम से कम इतना संकल्प करना है कि हम बस वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगे। घर पे बना के जो हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, ऐसा देखो हम यहाँ पर भी लेके आते हैं ना, ये फ्रूट्स कोई लेके आएगा तो मार्केट से क्या बोल के आएगा कि फ्रूट्स दो, ठेले वाले को भाई भाई बोलेगा ना एक किलो एप्पल दो, और यहाँ पर जैसे ही रखा भगवान के पास और फिर बाद में जब लेगा तो क्या बोलेगा? बोलेगा फ्रूट दो मुझे, क्या बोलेगा? प्रसाद। तो मतलब वो चीज अब वो चीज नहीं रही बल्कि वो क्या बन गई? प्रसाद बन गई। और प्रसाद का क्या मतलब होता है? प्र मतलब प्रभु, श्या मतलब साक्षात, द मतलब कृपा। ये साक्षात प्रभु की कृपा बनकर आपके सामने आ जाती है। तो ये रोजाना की क्रिया होनी चाहिए, सुबह को शाम को। अगर हम एकाणा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग तो ज्यादातर लोग इस महीने में एक टाइम खाते हैं, लेकिन हम इतना नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो करें कि बाहर की चीजें मंगा मंगा कर ना खाएं। ना जाने उसने किस बुद्धि से बनाई होगी। हम स्लाइस खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये खाते हैं। भगवान ने जो घर पे बना के हम जो प्रसाद खाते हैं उसके अंदर कितनी कृपा रखी है, इसीलिए हमारा मन भगवान में नहीं लगता। ऐसे बोलते ना, जेड़ो अन्न तेड़ो मन, है ना। जैसा जैसा हम अंदर जाते ना, जैसा जैसा इनपुट होता ना आउटपुट वैसा ही होता, इसलिए मन नहीं करता माला करने के लिए। माला करने का मन इसलिए नहीं करता, जो हम अन्न खाते ना उसने क्या सोचा है, मुझे इस अन्न जो बना बेच रहा हूँ उसके द्वारा धन कमाना है और एंजॉय करना है। और वही चीज जब हमारे अंदर जाती है तो अभी हम भी नहीं सोचते, हमें एंजॉय करना है बस, क्या अभी माला करना, माला इज सो बोरिंग। तो हमको प्रसाद खाना है, ठीक है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम।
और पेट की मांगों को पूरा नहीं करना है। पेट कुछ भी मांग सकता है, ये खाना वो खाना, ये चाहिए वो चाहिए, उसको कंट्रोल करना, ऐसा कहा जाता है। रूप गोस्वामी बताते हैं, जिहाय लालसा यदि इति उति थाए शिष्णु दर परायण कृष्ण नहीं पाए। यदि केवल मन में यही होगा, सुबह से उठते ना तब से यही होता है, आज ये खाना है, नाश्ते में ये खाएंगे, दोपहर में ये खाएंगे, लंच में ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, तो फिर खाली खाना खाना मन में होगा ना, तो वो कृष्ण धर परायण कृष्ण नहीं पाए, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और इस तरह से ये सीधा होता है, ये जो मुख है उसके बाद उदर है, उसके बाद जनन इंद्रिय है। मुख और उदर की क्रियाओं को यदि हम कंट्रोल कर देते हैं तो हमारी इंद्रिया जो है, जनन इंद्रिय जो है, उसका वेग भी कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए इस महीने में स्पेशल कहा गया है कि फर्श पर सोना चाहिए और आप संबंध जो पति पत्नी का संबंध है उससे दूर रहना है। मन में यही सोचना है कि मैं भगवान का हूँ और इस महीने में मुझे साधना करनी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा साधना करनी है। उधर उपस्थित ये सब वेग अगर हम रोक ले और कुछ नहीं करें, वैसे तो ये पूरा जीवन करना है, लेकिन ये साधना केवल इस महीने में भी यदि हम कर लेते हैं तो भी क्या होता है, तो भी हम भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में आगे उनके निकट आ जाएंगे। और जैसे हमने पहले पढ़ा कि जब हम निकट आ जाते हैं तो भगवान हमें थाम लेते हैं, तो कम से कम हम उनके निकट आने का प्रयास करें। तो आज हमारी क्लास का समय यहीं पर समाप्त होता है। वैसे यहाँ पर हम कृष्ण बाल लीला पढ़ रहे हैं, बहुत ही सुंदर बाल लीला, अत्यंत ही मनोहर, भगवान की जो छोटे से हैं भगवान, कौमार अवस्था से अब पौगंड अवस्था में आ गए हैं, और अब छोटे छोटे ग्वाल बछड़ों को लेकर जाते थे ना, अब उसके बाद बड़ी बड़ी थोड़ी गैया भी भगवान को दी गई। अभी वास्तव में तो गोपाल नहीं बने, गोपाल कब बनेंगे, जब गोप अष्टमी आएगी, है ना, अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष कार्तिक महीने में जब आएगी उसमें भगवान पूर्ण रूप से गोपाल बनेंगे। वो तो कब होगा, गोवर्धन लीला के बाद, है ना, गोवर्धन लीला हो जाएगी ना, उसमें जब देखेंगे ना सब ग्वाल बाल, अरे वाह इसके अंदर तो बहुत शक्ति है, एक ही उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। फिर नंद बाबा को बोलेंगे, बाबा इससे अभी गैया चराने दो, अभी बड़ा हो गया। लेकिन फिर भी क्योंकि वो गैया, वो वृंदावन के रास्ते, वो पेड़, वो पंछी, वो सब भगवान को बहुत स्मरण कर रहे हैं, कितनी 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 तपस्या की है। ऐसा मत समझिए कि वो जो मयूर है वृंदावन में है, जो हिरण है, जो जो तोते हैं, जो पशु हैं, वो कोई साधारण है, वो बहुत बहुत तपस्या करके ऋषि हैं, बहुत बड़े, और इन्हों को ऐसा अभी अवसर मिला है कि भगवान की लीलाएं देखने का अवसर मिला है, तो वो सब इंतजार कर रहे हैं भगवान का। इसलिए भगवान बहुत जिद करके थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं, और अगली लीला में भगवान ताल वन में जाएंगे। ताल वन एक बहुत ही सुंदर वन है, जिस पर एक गधा जो धेनु का सुर है वो वहां पर आक्रमण कर रहा है, मतलब वो वहां पर सुरक्षा कर रहा है। ताल वन में बहुत सुंदर सुंदर फल है, ना वो खुद खाता है और ना किसी और को खाने देता है। हरे कृष्णा। दीपदान दो दफा कर सकते हैं, सुबह को और शाम। तो अगले हफ्ते हम ये कथा पढ़ेंगे, आप सबसे निवेदन है कि आप आइए और ला दीजिए। हरे कृष्ण। वो तो दिवाली के दिन में हम श्री राम के स्वागत के लिए जलाते हैं।